नमस्कार मित्रों, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चारों तरफ बोलबाला चल रहा है। निश्चित ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले समय का साधन है। दिन ब दिन इनकी बिक्री बढ़ रही है और लोगों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी लोकप्रिय होते जा रहे हैं। हाल की कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगी आग की घटनाओं की खबरों से उपभोक्ता परेशान है और उनके मन में एक यह शंका हो रही है, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग करना सुरक्षित है। मित्रों, मेरा मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग करने में कोई खतरा नहीं है। अगर सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो ये व्हीकल्स डीजल या पेट्रोल पर चलने वाले व्हीकल्स से काफी सुरक्षित है। भले ही जलती हुई इलेक्ट्रिक कारों को अक्सर मीडिया में बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार में आग लगने की संभावना इंटरनल कम्बस्टन इंजन वाले व्हीकल्स की तुलना में काफी कम होती है। यूनाइटेड स्टेट में किए गए एक अध्ययन के अनुसार 100,000 बेची गई कारों में से 3,475 हाइब्रिड कार में आग लगने की घटनाएं सामने आई, 1,530 गैसोलीन पर चलने वाली कारों में आग लगने की घटनाएं सामने आई, जबकि सिर्फ 25 इलेक्ट्रिक कार में ही आग लगने की घटनाएं सामने आई है। ये सत्य है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग कम प्रमाण में लगती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगती है तो उसे बुझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। चलिए आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने के कारण जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, यह देखा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में लगने वाली आग आमतौर पर रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित होती हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों में लगने वाली आग को समझने के लिए हमें पहले रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी की संरचना को समझना होगा। बाकी बैटरियों की तरह लिथियम आयन बैटरी 3 मूलभूत घटकों के साथ आती है। यह घटक कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर है। बैटरी का नेगेटिव, जिसे एनोड के रूप में जाना जाता है, यह ग्रेफाइट से बना होता है, जिसके ऊपर लिथियम कंपाउंड का कोटिंग होता है। इसमें एक करंट कलेक्टर होता है जो अक्सर तांबे से बना होता है। दूसरी तरफ बैटरी का पॉजिटिव, जिसे कैथोड के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर कोबाल्ट ऑक्साइड या अन्य ज्वलनशील पदार्थों जैसे कि सल्फर, आयरन फॉस्फेट या मैंगनीज ऑक्साइड से बना होता है। बैटरी में एक तरल इलेक्ट्रोलाइट और पॉलीप्रोपाइलीन या पॉलीथीन की एक पतली परत होती है जो एनोड और कैथोड को सेपरेट करती है। यह परत चुनिंदा रूप से लिथियम आयनों को इलेक्ट्रिक वाहनों को बिजली देने के लिए आवश्यक शक्तिशाली वोल्टेज बनाने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की अनुमति देती है। एक बैटरी में कितने सेल होंगे, ये वाहन को कितनी शक्ति की आवश्यकता है, इस पर निर्भर करता है। बैटरी में एक या एक से अधिक बिजली पैदा करने वाले सेल हो सकते हैं। जब बैटरी उपयोग में होती है तब एनोड की तरफ से पॉजिटिवली चार्ज लिथियम एटम, जिसे हम लिथियम आयन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में तैरकर और सेपरेटर को पार कर कैथोड की तरफ प्रवास करते हैं। जो सेपरेटर से आगे नहीं जा सकते हैं वे करंट कलेक्टर में चले जाते हैं और फिर एक सर्किट से गुजरते हैं जो डिवाइस को शक्ति देता है। जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं तब ये प्रक्रिया उलट दिशा में होती है। लिथियम बैटरी में आग लगने के क्या कारण हो सकते हैं? लिथियम बैटरी में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण बैटरी फेलियर है। बैटरी या बैटरी सेल के एक हिस्से के कैटास्ट्रोफिक नुकसान से आग लग सकती है। अधिकांश बैटरी फेलुआ खराब डिजाइन, निर्माण दोषों और बैटरी के फिजिकल एब्यूज के कारण इलेक्ट्रिक, थर्मल और मैकेनिकल क्षति के कारण उत्पन्न होती हैं। लिथियम आयन बैटरी में आग लगने का एक और कारण बैटरी की खराब गुणवत्ता और बैटरी की डिजाइन की खामियां हैं। कुछ निर्माता कम गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करके अपनी बैटरी बनाते हैं और उचित क्वालिटी कंट्रोल रखने में विफल होते हैं। ऐसी एक संभावना है कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान डेब्रिस या वेल्डिंग के बंस बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में एंटर हो जाते हैं। चूंकि लिथियम आयन सेल्स एनर्जाइज्ड और डीएनर्जाइज्ड होने पर एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इस तरह के फॉरेन पार्टिकल्स रिएक्ट कर सकते हैं और ये सेपरेटर में होल्स कर सकते हैं। इस वजह से बैटरी में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है और इस तरह ये बैटरी में बहुत अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कारण बनकर बैटरी सेल्स में तुलना में अधिक गर्मी और गैस का दबाव उत्पन्न कर सकती है, जिसे थर्मल रनवे कहा जाता है। यदि ये दबाव ठीक से वेंट नहीं किया जाता है तो बैटरी रनवे रिएक्शन से ओवरहीट होने लगती है और बैटरी के पास की सामग्री में आग लगा सकती है या यहां तक कि यह विस्फोट का कारण बनने के लिए पर्याप्त गर्मी उत्पन्न कर सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने के सामान्य कारणों में से एक कारण बैटरी को फिजिकल डैमेज होना है। यदि लगातार होने वाले टकराव और झटकों से बैटरी को क्रश, पंचर या यांत्रिक रूप से नुकसान पहुंचता है तो वे शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं। यह बदले में गर्मी और गैस के निर्माण का कारण बनता है, जिससे बैटरी सेल्स में थर्मल रनवे रिएक्शन हो सकती है। राइडर्स को यह समझना चाहिए कि बैटरी को होने वाली शारीरिक क्षति से तुरंत आग लग सकती है या बाद में आग लगने वाली खराबी हो सकती है। बैटरी में ओवरचार्जिंग या डिस्चार्जिंग की वजह से भी आग लग सकती है। जब बैटरी ओवरचार्ज होती है तब एनोड पर लिथियम मेटल डिपॉजिट जमा होना शुरू होता है, जिसे डेंड्रिटिस कहते हैं। ये डेंड्रिटिस धीरे धीरे बढ़कर सेपरेटर को पंक्चर करते हैं, जिससे आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और यह बदले में थर्मल रिएक्शंस को ट्रिगर करता है, जिससे बैटरी में एक्सप्लोजन हो सकता है या आसपास की सामग्री में आग लग सकती है।
इसी तरह जब लिथियम आयन बैटरी को डिस्चार्ज किया जाता है तो लिथियम आयन नेगेटिव एनोड करंट कलेक्टर से पॉजिटिव कैथोड करंट कलेक्टर की ओर प्रवाहित होता है। जब बहुत अधिक डिस्चार्ज होता है तो कॉपर से बना नेगेटिव करंट कलेक्टर सॉल्वेंट में घुलने लगता है। जब कॉपर इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाता है तब कॉपर के पार्टिकल्स इंटरनल शॉर्ट सर्किट की संभावना को बढ़ाते हैं, जिससे आग लग सकती है। यह केमिकल रिएक्शंस को भी ट्रिगर कर सकता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी दो अत्यधिक ज्वलनशील गैसों का उत्पादन करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी लिथियम आयन बैटरी के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर है और ये भी लिथियम आयन बैटरी में आग लगने या विस्फोट होने का कारण बन सकता है। जब लिथियम आयन बैटरी को हाई टेम्परेचर एक्सपोजर होता है तब बैटरी में इंटरनल डिग्रेडेशन शुरू होता है, जिससे थर्मल रिएक्शन ट्रिगर हो सकती है। जब आसपास का तापमान बैटरी के आंतरिक तापमान से अधिक होता है तो सेल गर्म होने लगती है। एक बार जब आंतरिक तापमान एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो यह इलेक्ट्रोलाइट के साथ कैथोड की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। इससे अधिक हीट का उत्पादन होता है, जिससे बैटरी के अंदर मानक सीमा से अधिक दबाव बढ़ जाता है, जो बैटरी में आग लगने का या विस्फोट का कारण बन सकता है। मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लिखे शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम लिथियम आयन बैटरी की आग को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।